चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वॉटर मॉलिक्यूल हैज एन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ठीक है, 10^-30, 6.4 × 10^-30, ठीक है, कूलम मीटर। व्हेन इट इज इन वेपर द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। देखो ये डाइपोल हो गया, माइनस प्लस, माइनस क्यू प्लस क्यू, दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर एल ले लें तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी, क्यू इंटू एल कहलाएगा, करेक्ट है ना, दोनों के बीच की डिस्टेंस एल। तो ये डिस्टेंस ही पूछ रहा है, एल पूछ रहा है, तो एल इज इक्वल टू पी बाई क्यू। पी की वैल्यू दिया हुआ है ऑलरेडी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 6.4 × 10^-30, और चार्ज कितना होता है, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो ई की वैल्यू हो गई 1.6 × 10^-19, ये कितना आना चाहिए, एल इज इक्वल टू 6.4 / ये कितना आएगा, 10^-30 प्लस 19, 10^-11 आएगा, 10^-11, और 6.4 / 1.6 कितना आएगा, 4 के आसपास आएगा ना, हाँ 4 आएगा, तो 4 × 10^-11 मीटर आएगा, ऐसा यूनिट क्योंकि बाकी भी ऐसा यूनिट में, ये भी ऐसा यूनिट में, ठीक है, और हमने भी चार्ज की वैल्यू कूलम में लिया, ऐसा यूनिट, ठीक है, 4 × 10^-11 कौन सा ऑप्शन सही, ये वाला ठीक है ना, 4 × 10^-11 सही लिया है ना कैलकुलेशन। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।